तो गाइज वी आर बैक। और गाइज यहां पे एक यहां पे प्रॉब्लम है, हालांकि दोनों टीमें यहां पे एग्री हो गई है। विलन ने भी यहां पे कंफर्मेशन दे दिया है, क्योंकि यहां पे जो अकाउंट्स है CR7 अकाउंट, CR7 इनके अकाउंट्स में नहीं है, जो यहां पे दिया आकाशी मोरो BNL विंसेंट, जो शायद कुछ प्लेयर के अकाउंट्स में CR7 नहीं है। लेकिन यहां पे विलन ने बोल दिया गाइज विदाउट कैरेक्टर स्किल। जी गाइज विदाउट कैरेक्टर स्किल, यहां पे दोनों टीम से कंफर्मेशन आ चुका है कि विदाउट कैरेक्टर स्किल इस मैच को खेलेंगे और इस गेम को यहां पे स्टार्ट करें। गाइज एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके गाइस एवरीथिंग ओके गाइस, सारे बंदे थर्ड गेम यहां पे स्टार्ट हो चुका है भाई। बहुत ही बड़ा दिल एक तरीके से बोल सकते हो भाई विलन का। देखने वाली बात होगी, जस्ट मेरे बाजू में यहां पे बैठे हैं स्ट्रीमिंग रूम में। और गाइस यहां पे दोनों टीम से कंफर्मेशन मिल चुका है, हालांकि प्रॉब्लम गलती इसमें हमारी है, बिकॉज हम लोग यहां पे अच्छे अकाउंट यहां पे प्रोवाइड नहीं कर पाए CR7 वाले, क्योंकि एज ए स्टार्टिंग मेरे को लगा था जैसे वियतनाम से यहाँ पे खेले थे गाइस कैरेक्टर स्किल ओप के साथ में, मेरे को लगा था कि ऐसा ही हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे अकाउंट्स तो दिए थे, लेकिन CR7 यहाँ पे कुछ अकाउंट्स में नहीं था, तो एक एलिगेशन यहाँ पे आया और दूसरी टीम से भी यहाँ पे एग्री हो चुका है। हालांकि जैसे मैंने आप लोगों को रूल्स बताए थे, अगर कोई भी रूल यहाँ पे चेंज हो रहा है दोनों टीम एग्री होगी तो तभी वो लागू होगा, अदरवाइज यहाँ पे वो रूल लागू नहीं होगा। गाइस देखने वाली बात रहेगी क्या अभी भी वो एग्रेसिवनेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी विलन गेमिंग से, क्योंकि यहाँ पे विलन ने ही खुद बोला है कि कैरेक्टर स्किल ही ऑफ कर दो, क्रोनो बैन मत करो, कैरेक्टर स्किल ही ऑफ कर दो, दोनों टीम के लिए हो सकता। तो लेट्स सी गाइस, देखने वाली बात रहेगी इस गेम में कौन सी टीम यहाँ पे बाजी मारती है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन सर्वर की टीम कैरेक्टर स्किल ऑफ करके यहाँ पे आ चुकी है और सामने है ओवर पावर की स्क्वाड, और यहाँ पे विंसेंट को डैमेज हो चुका है गाइस, क्या यहाँ पे डिफीट करेगी, अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस में यहाँ पे विलन गेमिंग की स्क्वाड गाइस, अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस में यहाँ पे, और यहाँ पे स्पोर्ट कर लिया आकाशी मोरो आगे है, आकाशी मोरो आगे है और यहाँ पे डैमेज दिया, लेकिन मोरो के रेड डैमेज आज देखने के लिए नहीं मिल रहे फाइनल, मोरो के रेड डैमेज यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहे, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस मैच में वियतनाम की टीम के आगे गए, प्रैक्टिस नहीं वो फाइनल्स में ही वहां पे वियतनाम की टीम के आगे मचाया था, और यहाँ पे विंसेंटो ने यहाँ पे डैमेज तो किया है लेकिन क्या उसको फिनिश कर पाते, हालांकि दोनों प्लेयर नीचे और यहाँ पे बाल बाल बचे हैं, जिगर बाल बाल बचे हैं, अब PNL को खोज पे 94 का हेड और यहाँ पे नोकडाउन कर दिया, जिगर नोकडाउन कर दिया, एजे स्मूथ ने आकाशी को हेड छोड़ दिया है, स्मूथ को यहाँ पे देख लेते हैं और डेजर्ट ईगल से लेके बैठे हैं जैसे ही बंदा निकले फिनिश ऑफ करने के लिए, और एजे स्मूथ दो के लिए यहाँ पे कर चुके हैं। विंसेंजो मोरो भी डाउन, विंसेंजो अकेले बचे, फर्स्ट राउंड में इंडियन सर्वर की टीम ने फिर से यहाँ पे बाजी मारती दिखती हुई और यहाँ पे अकेले विंसेंजो बचे हैं, क्या लगता है, क्या लगता है सामने बनी स्क्वाड, ठीक है सामने बनी स्क्वाड है और एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन किया, ठीक है एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक डाउन किया है और देखते हैं सामने क्या यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया, विलन को भी फिनिश ऑफ कर दिया लेकिन ऊपर मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा, और स्मूथ ने फिनिश कर दिया, स्मूथ ने यहाँ पे फिनिश कर दिया और स्कोर यहाँ पे फर्स्ट राउंड अपने नाम कर लिया, थर्ड गेम का भी फर्स्ट राउंड यहाँ पे अपने नाम कर लिया। गाइस सारे बंदे सिम को लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया, सारे बंदे जाके फॉलो कर लेना, बिकॉज वहां पे हम लोग बहुत सारी एंटरटेनिंग वीडियोस यहाँ पे शॉर्ट क्लिप्स और जो भी कस्टम यहाँ पे लेजेंड्स के होंगे वहां पे आईडी पासवर्ड यहाँ पे मिलने वाला है स्टोरी में, सारे बंदे जाके सिम को फॉलो कर लेना। तो गाइस क्या यहाँ पे विलेन पे भारी पड़ सकता है, क्या लगता है गाइस, क्योंकि एज ए स्टार्टिंग में बैन कोरोनो की बैन कोरोनो की यहाँ पे बात हुई थी, यहाँ पे कोरोना हटा सकते थे दोनों टीमें क्योंकि बाकी चीज तो थी दोनों अकाउंट्स में, जी दोनों आलोक वगैरह सारी चीजें थी लेकिन क्रोनो एक नहीं था, और जडेजा को यहाँ पे हेड छोड़ दिया लेकिन विलन आ चुके हैं, ओपी कोऑर्डिनेशन, जी ओपी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखने में मिल रहा है, अगर एक प्लेयर डाउन होता है तुरंत यहाँ पे बैकअप आता है, तो गाइस इस टीम को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लेजेंड्स के साथ, और यहाँ पे हेड छोड़ दे दिया विंसेंजो ने, यहाँ पे हेड छोड़ दे दिया, यहाँ पे स्मूथ को नॉक डाउन किया, तीनों प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया, स्मूथ अकेले बचे, गाइस अलग ही लेवल यहाँ पे मचा रही है, लेकिन इसकी बात की जाए तो स्मूथ अकेले बचे, चार किल्स अभी तक स्मूथ ने किए, चार किल्स यहाँ पे स्मूथ ने किया है, और मेरे को लग रहा है एक प्लेयर फर्स्ट में ही चार किल्स किए थे, फर्स्ट गेम में यहाँ पे क्वार्टर किया गया था, और स्मूथ आगे बढ़ते हुए स्नाइपर के साथ में, क्या यहाँ पे विलन ने टेस्ट किया गया, उसका डिसीजन देखने वाली बात रही थी यहाँ पे, अरे भाई साहब चारों बंदों को हिला रहे, दो बंदों को नॉक कर दिया स्नाइपर से, तीन बंदों को यहाँ पे स्नाइपर से नॉक कर दिया, जैसे मैंने बताया बहुत ही लो एंड पीसी में खेलते हैं, और यहाँ पे स्मूथ ट्रिपल फोर चार किल पहले, और यहाँ पे क्या यहाँ पे क्वाड्रा किल, क्या 1v4
और ये हमारी गिल्ड से यहाँ पे खेलने वाले हैं इस क्लास स्क्वाड गेम में। एक हीरा हम लोग ढूंढ के लाए यहाँ पे, अंडररेटेड लेजेंड, लेकिन सामने रिवर्स दे दिए गए। बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पसीने यहाँ पे छुटा चुके हैं जी गाइस, स्मूथ ट्रिपल फोर, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पसीने छुटा चुके हैं। सामने है विंसेंट को बीएनएल और यहाँ पे स्मूथ ट्रिपल फोर वन ऑफ द बेस्ट पिच प्लेयर, लेकिन यहाँ पे एमपी फाइव से बीएनएल ने यहाँ पे हेडशॉट दे दिया। एक तरफा यहाँ पे खेल रहे हैं स्मूथ, फर्स्ट में क्वाड्रेगिल और सेकंड गेम में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया था गाइज, ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बीएनएल ने हेडशॉट लगा के यहाँ पे स्कोर इक्वल कर चुके हैं। वन और स्नाइपर यहाँ पे ले चुके बीएनएल। भाई मैं पानी पी लेता हूँ यार थोड़ा। ओके गाइज वी आर बैक, और भाई साहब स्मूथ हैशटैग हो जाए भाई चैट में एक बार गाइज, यहाँ पे हैशटैग हो जाए स्मूथ के लिए। पांच के लिए यहाँ पे कर चुके हैं, और गाइज बहुत जल्दी हमारा पीस रिवील का वीडियो आने वाला है इसी वीक में, ट्रेलर आजकल में आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज आप लोगों को ज्यादा वेट यहाँ पे नहीं करना होगा, फिर हम लोग यहाँ पे फेस कैम से लाइव स्ट्रीम हम लोग डेली यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे गाइज मोरो आगे बढ़ते हुए विंसेंट, जो विशाल स्मूथ और जडेजा जी गाइज, यहाँ पे देखने वाली बात रही विलन का यहाँ पे दिल काफी बड़ा है। यहाँ पे जब पीयर पे बात आई है तो बंदे ने बोला विदाउट कैरेक्टर्स के लिए हम लोग खेलेंगे, हालांकि केवल यहाँ पे क्रोनो को हटा सकते थे क्योंकि दूसरी टीम के पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन अकाउंट्स में। विंसेंट जो बीएनएल आकाशी मोरो शायद एक दो अकाउंट्स में है, बाकी का मेरे को नहीं पता, कुछ अकाउंट्स में नहीं है। और गाइस देखने वाली बात, और गाइस कैरेक्टर्स का हम लोग काम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, बिकॉज एक सेपरेट आईडी देंगे तो तब भी प्रॉब्लम रहेगा, गेम पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो वी विल ट्राई क्लैश स्क्वाड के लिए यहाँ पे न्यू अकाउंट सभी पे हो, विदाउट कैरेक्टर स्किल, विदाउट गन स्किन यहाँ से हम लोग करें जी गाइस, विदाउट गन स्किन और विदाउट कैरेक्टर स्किल, बिकॉज आप लोगों को पता है आज CR7 है, कल दूसरा कैरेक्टर आएगा, परसों फिर दूसरा आएगा, उनकी अलग अलग एबिलिटी होंगी, वो नहीं होंगे, फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी। तो इस वजह से वी विल ट्राई कि यहाँ पे फेयर गेम प्ले सभी टीम्स के लिए हो इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट, लोग यही ट्राई करने वाले जी गाइस, जो हमारे टूर्नामेंट्स होंगे विदाउट यहाँ पे कैरेक्टर स्किल, ओनली क्लैश स्क्वाड के लिए जी गाइस, ओनली क्लैश स्क्वाड के लिए, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में यहाँ पे ओके गाइस यहाँ पे पूरा यहाँ पे और विंसेंटो को डैमेज दिया, विंसेंटो को यहाँ पे डैमेज दिया है, टुक टुक लेके आ चुके हैं, मेरे को लग रहा है जडेजा देसी है यहाँ पे, जडेजा देसी और स्मूथ, क्या विंसेंटो यहाँ पे निकल पाएंगे? सामने दो प्लेयर ठीक है, सामने दो प्लेयर और यहाँ पे नॉक कर दिया गाइस, नॉक यहाँ पे कर दिया, बीएनएल अलग की वेट कर रहे हैं, विंसेंटो को इनिशियल फाइट में नॉक कर दिया, आकाशी और मोरो आकाशी और मोरो यहाँ पे बचे और यहाँ पे ग्लिच हो गया था, स्क्रीन देखने वाला यहाँ पे ग्लिच हो गया था, क्या लगता है बीएनएल भी यहाँ पे डाउन हो चुके जी गाइस, और देखते हैं मोरो 777 डबल किल और स्कोर हो चुका है 2-1 जी गाइस, 2-1 स्कोर हो चुका है, कमबैक यहां पे कर चुकी है ओवर पावर की स्क्वाड, और यहां पे स्मूथ के 5 किल्स है अभी जी गाइस, इसमें यहां पे विंसेंट जो 3 किल्स यहां पे हो चुके हैं, बीएनएल का एक है, आकाशी के 4 किल है और मोरो 777 यहां पे 2 किल्स, स्मूथ इंडिया का नहीं भाई, केरला से है स्मूथ भाई, लेकिन वॉइस और फेस रिवील नहीं है गाइस यहां पे, हालांकि आप लोग बोल सकते हो वॉइस और फेस गाइस देख चुका हूं, मतलब 15 इयर्स का, मतलब आप लोग समझ सकते हो 15 इयर्स ओल्ड, वाइट 444 भी ज्यादा नहीं है मेरे को लग रहा है 16 या 17 के ही है, लेकिन गाइस ये उभरते हुए स्टार और विशाल 51 मोबाइल प्लेयर गाइस, इनके स्नाइपर का तो दीवाने हो गए होंगे फर्स्ट गेम में, पूरी टीम के कोऑर्डिनेशन के यहां पे दीवाने हो गए होंगे, इंडिया की इंडियन सर्वर में सारी मतलब एक अनडिफीटेड टीम है हमारे टूर्नामेंट में, यहां पे BD71 ब्लास्ट गेमिंग जैसी स्क्वाड को जी गाइस, बड़ी बड़ी स्क्वाड को यहाँ पे धूल चढ़ाई है और इस गेम में यहाँ पे आई है, प्रो नेशन की टीम को भी बड़ी बड़ी टीमों को हरा के यहाँ पे आई है विलन गेमिंग की स्क्वाड, जिसमें विलन 25 एजेस मोड 444 गाइस, क्या लगता है उनके सामने है विंसेंटो बीएनएल आकाशी मोरो, एक तरीके से गाइस बिना सर्वर के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड को आप लोग बोल सकते हो, हालांकि इंडियन सर्वर में खेल रहे किंग 150 रहता है, लेकिन इट डजंट मैटर, अगर उनका कॉन्स्टेंट चल रहा है, उनका अगर वहां पे 17 पिंग चल रहा है पीसी प्लेयर का, तो मेरे को लगता है इट डजेंट मैटर, वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है, और बीएनएल एक आकाशी के 4 मोरो के यहाँ पे खेलते हैं, लेट्स सी गाइस क्या यहाँ पे होने वाला है, विंसेंट जो इनिशियल फाइट में यहाँ पे खो चुके इस राउंड की, और 2-1 से हालांकि आगे तो है, लीड तो ले चुके, लेकिन दूसरी टीम और यहाँ पे विलन भी डाउन हो गए, विलन यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं,
विशाल, विशाल भी यहाँ पे नोक हो गए। स्मूथ की बारी आती है, स्मूथ यहाँ पे आगे बढ़ चुके। क्या यहाँ पे स्मूथ का जादू देखने के लिए मिलेगा गाइज? यहाँ पे क्या लगता है, स्मूथ बच गए और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर दिया। स्मूथ ने एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया, रिवाइव उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, स्मूथ ट्रिपल को मतलब बेस्ट पीसी प्लेयर, अंडररेटेड लेजेंड एक तरीके से। और स्मूथ सामने तीन प्लेयर है, अरे भाई साहब दोनों ने यहाँ पे हेडशॉट किया है और स्मूथ यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अकेले बच्चे सामने तीन प्लेयर है, ठीक है, अकेले बच्चे सामने तीन प्लेयर है और यहाँ पे आकाशी ने शॉट गन से फिनिश ऑफ कर दिया। स्कोर हो चुका है 3-1, ठीक है, स्कोर यहाँ पे 3-1 हो चुका है। गाइस सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लेना। लव फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन। गाइस सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को यहां पे सब्सक्राइब कर लेना। 50 के लाइक्स का टारगेट है, क्या हम आज हिट कर पाएंगे गाइस? क्या हम न्यू रिकॉर्ड यहां पे बना पाएंगे अपना? गाइस क्या हम न्यू रिकॉर्ड यहां पे बना पाएंगे? सारे बंदे स्ट्रीम को यहां पे लाइक कर दो और चैनल को यहां पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना, बिकॉज गाइस बहुत सारी वीडियोस भी हम लोग डालते हैं। और यहां पे विंसेंट ने यहां पे डैमेज जरूर दिया है, लेकिन गाइस अरे भाई साहब आकाशी यहां पे, जी गाइस आकाशी यहां पे फिर से मेरे को लग रहा है एलिमिनेट हो गए हैं ग्लिच के चलते हुए। जी गाइस आकाशी फिर से एलिमिनेट हुए और 6 किल्स उन्होंने निकाले थे, ठीक है, 6 किल्स उन्होंने यहां पे निकाले थे। विंसेंट की बात की जाए, MP5 उनके हाथ में और BNL के पास भी गाइस स्नैपर MP5। मोरो की बात की जाए तो गाइस यहां पे है उनके साथ शॉटगन और MP40। दूसरी तरफ जडेजा देसी, जी गाइस जडेजा देसी, एजेस मोथ, विशाल 51 और विलन 25। क्या लगता है गाइस कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है? हालांकि इस बार की बात की जाए इस राउंड में 3x से आगे आ चुकी है यहां पे, ठीक है, ओवर पावर 3x से आगे आ चुकी है। स्मूथ 1N आर्मी बीड विंसेंटो स्क्वाड जीतेगा। लेट्स सी गाइस, अभी तक दोनों मैचेस यहां पे जीते। फर्स्ट गेम तो इतना इंटेंस हुआ था गाइस, इतना ज्यादा इंटेंस यहां पे फर्स्ट गेम हुआ था। विंसेंटो BNL मोरो और सामने है पूरे 4 प्लेयर, इस बार 1 प्लेयर यहां पे नॉक हो गया। ओवर पावर का कहीं ना कहीं आज लक उनके साथ नहीं है, क्योंकि एज इनिशियल कई सारी फाइट्स में यहां पे उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है और यहां पे विंसेंटो नॉक हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आप लोग देख सकते हो, इस टीम का कोऑर्डिनेशन आप लोग देख सकते हो। BNL और यहां पे मोरो बचे हैं, जी गाइस BNL और मोरो यहां पे बचे हैं। लेट्स सी गाइस, BNL मोरो यहां पे बचे हैं, सामने है पूरे 4 प्लेयर। यस पूरे 4 प्लेयर सामने, क्या लगता है? YC प्लस नोट प्ले बिकॉज वो 12 बजे सो के उठता है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस जो शेड्यूल रहता है ना गाइस। मोरो भी बहुत ज्यादा, मोरो को भी बोलने के बाद मैं वरना टाइम अभी, अरे भाई साहब स्मूथ ने चंद सेकंडों में यहां पे AWP डाउन कर दिया। जी गाइस यहां पे फॉर्म में आ चुके हैं विलन गेमिंग स्क्वाड और BNL है यहां पे। क्या BNL कुछ यहां पे चमत्कार हो, खुद के ग्लू होल में यहां पे फंस गए। सामने उनके 3 प्लेयर है और तीनों साइड गोल विद इन अ सेकंड यहां पे लगाया। अरे भाई साहब और जडेजा देसी यहां पे वुड पिकर से नॉकडाउन किया और स्कोर हो चुका है 3-2। जी गाइस स्कोर यहां पे 3-2 और यहां पे कम बैक कर दिया है। जी गाइस विलन गेमिंग की स्क्वाड ने यहां पे कम बैक कर दिया है। और बात की जाए तो स्मूथ के 6 किल्स हैं, जी गाइस दूसरी तरफ से आकाशी के 6 किल है। आकाशी यहां पे एलिमिनेट हो गए थे ग्लिच के चलते हुए और गाइस देखते हैं 3-2 का यहां पे स्कोर हो चुका है। क्या लगता है गाइस कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है? थैंक यू फॉर योर डोनेशन गेमिंग विद शिव मून, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर डोनेशन ब्रो। गाइस देखने वाली बात रहेगी यहां पे विंसेंटो BNL आकाशी मोरो, जी गाइस यहां पे मीना सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक तरीके से जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हो, क्योंकि मीना सर्वर से हम लोगों ने यहां पे गाइस ओवर पावर को यहां पे ज्वाइन हुई है मीना सर्वर से। और उनके सामने विलन, विशाल, एजे स्मूथ और जडेजा देसी। स्मूथ की बात की जाए तो गाइस मतलब बंदे स्टार्टिंग में पता है क्या बोल रहे थे गाइस जब इनका गेम प्ले आते कि नहीं ये स्मूथ नहीं है, ये व्हाइट 444 ही है। जी गाइस उनका एक ही कहना था कि भाई ये व्हाइट 444 ही है, आप लोग हम लोगों को पागल बना रहे हो कि आपने मीना सर्वर में रिकॉर्ड किया। लेकिन मैंने बताया भाई गाइस एक इंस्पिरेशन जो बंदा किसी प्लेयर को यहां मानता है उससे खेल के यहां पे सिखाओ और तो आप लोग समझ सकते हो भाई। और जडेजा ऊपर जा चुके, जडेजा ऊपर जा चुके, गोल यहां पे लगाया विंसेंजो ने, यहां पे किया है और BNL ने भी यहां पे डैमेज दिया है। आकाश यहां पे आगे बढ़ते लेकिन गाइस बहुत ही फास्ट यहां पे ग्लू होल जरूर लगाया। क्या यहां पे हील कर पाएंगे कि नहीं? BNL यहां पे वेट कर रहे हैं ऊपर से आने के लिए। विंसेंट यहां पे आगे बढ़ते हो, पूरा राइट यहां पे फ्लैंक कर रहे हैं। और गाइस मोरो की बात की जाए, 3 किल यहां पे लग गए,
और मोरो यहाँ पे डाउन हुए। जी गाइस मोरो यहाँ पे डाउन हुए। स्मूथ ने यहाँ पे मोरो को डाउन कर दिया है। क्या यहाँ पे विशाल को नॉक डाउन कर पाएंगे? और विशाल यहाँ पे दूसरी यहाँ पे रूप पे आ चुके हैं। विशाल स्नाइपर और सामने MP5। जी गाइस क्या लगता है, क्या लगता है? 4v3 गेम बचा है अभी। विंसेंट तो BNL आकाशी अभी भी बचे हुए हैं। और गाइस यहाँ पे BNL ने नॉक कर दिया। जडेजा जैसी को यहाँ पे नॉक किया है, लेकिन सामने अभी भी पूरा एक तरीके से बोल सकते हो बनी स्क्वाड है गाइस। एक ही स्पोर्ट भी यहाँ पे जडेजा देसी और निकल भी नहीं सकते हैं वो। और विशाल की बात की जाए डबल स्नाइपर, ठीक है डबल स्नाइपर और जडेजा देसी नॉक कर दे, लेकिन क्या यहाँ पे और यहाँ पे नॉक कर दिया। विंसेंट जो यहाँ पे नॉक कर दिया। BNL आकाशी यहाँ के बचे, ठीक है BNL आकाशी यहाँ पे बचे हैं। सामने है पूरे तीन प्लेयर्स, 3v2 ये गेम हो चुका है। सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। BNL आकाश यहाँ पे बचे हैं गाइस। एक तरीके से 80 लेवल गेम यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे फंस चुके शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे। विलन यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए और 30 की वजह, लेकिन यहाँ पे नॉक कर दिया। जी गाइस कब यहाँ पे नॉक कर दिया। और देखते ही देखते विलन का बहुत ही प्यारा यहाँ पे किल, स्कोर हो चुका है 3-0। 10 HP पे यहाँ पे दो प्लेयर को नॉक करके, एक बंदे को नॉक करके दूसरे को यहाँ पे फिनिश किया है। जी गाइस गाइस सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस स्मूथ के 8 किल है, विलन के 3 किल्स है, जडेजा के 2 किल है और आकाशी के यहाँ पे 6 किल है। और बाकी विंसेंट जो BNL मोरो के यहाँ पे 3 किल्स है। गाइस इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, सारे बंदे जाके फॉलो कर लेना, बिकॉज वहां पे बहुत सारा एक्साइटेड कंटेंट हम लोग डालते रहते हैं। इनफैक्ट जो भी लीजेंड्स के अगेंस्ट मैचेस होते हैं या फिर हम लोग क्लैश स्क्वाड जो भी फन में खेलते हैं, सभी के आईडी पासवर्ड वहां पे मिलते हैं। और शॉर्ट क्लिप्स यहां पे जहां पे हम लोग यहां पे गेमिंग हाउस में वहां की शॉर्ट क्लिप्स एंटरटेनिंग आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। और विंसेंट जो के सामने यहां पे वुडपिकर चला रहे हैं। जी गाइस वुडपिकर यहां पे चला रहे हैं। BNL है, आकाशी है और मोरो, एक अंडररेटेड टीम जी गाइस, जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी इंडियन सर्वर की बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है। और यहाँ पे दो स्नाइपर ही यहाँ पे गाइस इस स्क्वाड को अलग लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। विशाल एजे स्मोथ 444 जी गाइस, आज विशाल यहाँ पे चल नहीं पा रहे, लेकिन कोऑर्डिनेट अपनी टीम के साथ यहाँ पे कर पा रहे हैं। और यहाँ पे विंसेंट तो BNL आकाशी सारे इस बार सारे प्लेयर एक साथ है। और एक तरीके से गाइस 4v4 फाइट है सामने, बिल्कुल कोई बंदा यहाँ पे फ्लैंक करके नहीं आ रहा है, स्ट्रेट एंड फाइट यहाँ पे ली जा रही है इस गेम में। ओके लेट्स सी गाइस, देखने वाली बात है आकाशी मोरो BNL विंसेंट। और देखते देखते विंसेंट को BNL को यहाँ पे नॉक कर दिया। जी गाइस आकाशी और मोरो यहाँ पे बचे, मोरो बचे, दोनों प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया, बड़े बड़े प्लेयर BNL विंसेंट जो, लेकिन यहाँ पे स्मूथ को नॉक कर दिया। जी गाइस आकाशी ऊपर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट जरूर कर रहे हैं, क्या यहाँ पे रिवर्स दे पाएंगे? और ग्लिच के चलते हुए ग्लिच हो गया और अंदर आ चुके, मेरे को लग रहा है अभी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। और आकाशी भी यहाँ पे नॉक हो गए, इजीली यहाँ पे रिवर्स दे देगा, लेकिन इधर स्मूथ को यहाँ पे नॉक किया। क्या दोनों प्लेयर को नॉक कर पाते? और भाई साहब विशाल का डबल किल शॉर्ट रेंज में AWM। जी गाइस शॉर्ट रेंज में AWM और स्कोर 4-3। विलन गेमिंग की स्क्वाड नेक्स्ट लेवल गेम प्ले जी गाइस, अलग ही फॉर्म में। सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। गाइस स्मूथ हो रहा है, क्या बात है, स्मूथ 9 किल कर चुके हैं। एक तरीके से बैकबोन है इस स्क्वाड की। जी गाइस बैकबोन है इस स्क्वाड की। और गाइस सारे प्लेयर्स को यहाँ पे लाइक दे देते हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही लाइक देना है, ये लाइक का बटन है स्ट्रीम पे। सारे बंदे कर दो एक बार, सभी के पास यहाँ पे टाइम है, इसके लिए 10 सेकंड आप लोगों को लगेगा। यहाँ पे सारे बंदे जल्दी से लाइक दे दो। और गाइस वापस आ चुके यहाँ पे विशाल, सब लोगों को आप लोगों को दिखा चुके हैं एजी स्मूथ यहाँ पे। और गाइस BNL आकाशी मोरो बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पे डिफीट करती हुई, जी गाइस बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पे डिफीट करती हुई ओवर पावर की स्क्वाड को। विलन गेमिंग एक तरीके से अनडिफीटेड टीम इस क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट में और फर्स्ट सीजन की विजेता यहाँ पे बनने जा रही है। जी गाइस क्या लगता है, क्या यहाँ पे ओवर पावर कम बैक कर पाएगा, क्या यहाँ पे ओवर पावर कम बैक कर पाएगा विंसेंजो BNL आकाशी और मोरो। गाइस सारे बंदे स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। आकाशी आगे बढ़ते हुए, जी गाइस आकाशी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विंसेंट जो यहाँ पे 3 किल के साथ में, आकाशी को एक बंदे साथ यहाँ पे और डैमेज उन्हें पड़ा है। बेस्ट उनके पास नहीं है, जी गाइस बेस्ट उनके पास नहीं है और अपने आप को कवर कर चुके हैं। जी गाइस अपने आप को कवर कर चुके हैं। और विंसेंट जो भी यहाँ पे 100 HP उनका बचा है। जडेजा ऊपर आ चुके और BNL को हेडशॉट यहाँ पे रख सकते हैं, बाल बाल यहाँ पे बचे हैं और ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जडेजा। जी गाइस ऊपर से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आकाशी को नॉक कर दिया है। विंसेंट जो की बात है, मोरो भी यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके हैं।
ठीक है, बोरो को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है। और यहाँ पे देखते ही देखते जी गाइस अलग लेवल गेम प्ले, 5-3 से आगे आज के विलन गेमिंग की स्क्वाड 5-3 से आगे और स्मूथ यहाँ पे 10 किल कर चुके हैं गाइस। क्या लगता है लेजेंड्स के सामने इस टीम का ये परफॉर्मेंस है? अपने यहाँ पे इंडियन सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइस, इंडियन सर्वर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फास्ट के स्टार्टिंग के दोनों राउंड इन्होंने निकाले और गाइस इस राउंड में भी यहाँ पे 5-3 स्कोर कर चुके हैं। गाइज हैशटैग लगा दो यार विशाल का यहाँ पे और स्मूथ का अलग ही लेवल गेम प्ले, विलन के यहाँ पे 5-3, विलन का भी अलग लेवल गेम प्ले। गाइज क्या लगता है 5-3 हो चुका है, क्या ये कंसिस्टेंसी विलन गेमिंग की देखने के लिए मिलेगी? जी गाइज क्या ये कंसिस्टेंसी विलन गेमिंग की देखने के लिए मिलेगी? विलन विशाल, एजे स्मूथ और जडेजा देसी, और यहाँ पे जडेजा देसी डबल स्नैपर के साथ है। हालांकि विंसन तो पूरा राइट से यहाँ पे फ्लैंक कर रहे हैं, ठीक है दोनों प्लेयर यहाँ पे, तीनों प्लेयर पूरा राइट से यहाँ पे फ्लैंक कर चुके हैं। क्या वो भी टीम में आएंगे, क्या टीम कोऑर्डिनेट यहाँ पे करेगी? जी गाइस ट्राई वहां पे कर रहे हैं लेकिन मेरे को लग रहा है सारे प्लेयर पीछे, जडेजा के लिए मुश्किल हो सकती है, जडेजा के लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जडेजा पे बैठे और देखते देखते यहाँ पे जडेजा को नॉक कर दिया। लेकिन गाइस पीछे यहाँ पे स्मूथ आ चुके हैं और यहाँ पे विंसेंट जो नॉक किया, बाकी प्लेयर्स देखना होगा बीएनएल कहाँ पे और फिर स्टॉप कर देंगे। गाइस कोऑर्डिनेशन टीम का देखो, जी गाइस कोऑर्डिनेशन टीम का देख सकते हो, आकाशी में यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और यहाँ पे दो शॉट हालांकि लगाए लेकिन नॉक डाउन यहाँ पे नहीं कर पाए। बीएनएल मोरो यहाँ पे बचे हैं, हैशटैग लगा लो और मोरो ने यहाँ पे नॉक डाउन जरूर किया, लेकिन गाइस अभी भी दो प्लेयर्स यहाँ पे डाउन किए। क्या यहाँ पे जडेजा, क्या यहाँ पे जडेजा नोक कर पाते हैं? और जडेजा को डैमेज पड़ा, 5 HP उनका बचा है, स्मूथ भी अभी बचे हैं जी गाइस, स्मूथ और बीएनएल डाउन हो गए, मोरो यहाँ पे अकेले बचे, गाइस मोरो अकेले बचे, उनके सामने दो प्लेयर और एक ही गोली के एक तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे स्मूथ 444 ट्रिपल किल 13 किल यहाँ पे कर चुके हैं गाइस। बड़ी बड़ी टीमों को ये टीम शिकस्त दे चुकी है। और इस गेम की बात की जाए तो गाइस इस गेम में यहाँ पे 13 किल यहाँ पे कर चुके हैं और गाइस यहाँ पे 3-0 से क्या यहाँ पे स्टार्टिंग के तीनों मैचेस यहाँ पे जीत जाएगी। गाइज क्या लगता है, क्या विलन गेमिंग यहाँ पे तीनों मैचेस जीतेगी? और एक तरीके से गाइज अलग ही लेवल यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। हैशटैग लगा दो गाइज सारे बंदे, एक बार हैशटैग लगा दो और देखते यहाँ पे गाइज सारे बंदे हैशटैग लगा दो। विंसन जो आप लोग कमेंट पढ़ते हो, बांग्लादेश 9 ईयर ऑडियंस सब फेक है भाई, आप लोग देख सकते हो भाई निमो पे वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं सारे प्लेयर्स, मतलब क्या ही बोलो भाई, ये फेक वाले कहां से आते हैं भाई। गाइज देखते गाइज यहाँ पे विलन गेमिंग क्या करते हैं, जिसको भी लग रहा है आप लोग चेक कर सकते हो स्टोरीज, इवन आप लोग चेक कर सकते हो उनकी स्ट्रीमिंग, निमो पे लाइव थे और गाइज देखते इस गेम में यहाँ पे क्या करते हैं। ओवर पावर नहीं है ओवर पावर भाई यार, भाई चैट में कुछ भी बोलोगे भाई, कुछ भी जो मन करेगा कुछ भी बोलोगे। गाइज जो भी मैच्योर ऑडियंस है वो चेक कर सकती है यहाँ पे निमो टीवी में, यहाँ पे विंसन जो भी लाइव है और बीएनएल भी लाइव है, आप लोग चेक कर सकते हो क्या उनका गेम चल रहा है, क्या उनके स्क्वाड है, कौन कौन खेल रहे हैं, क्या क्या उनकी बातचीत, आप लोग सारे बंदे देख सकते हो इजिली। मैच के बाद वहां पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। और इस गेम में क्या यहाँ पे गाइज क्या यहाँ पे 3-0 से जीत जाएगी ओपी स्ट्रेट प्लेयर विंसन जो पिंग प्रॉब्लम, भाई पिंग प्रॉब्लम हाँ मान सकते हैं पिंग प्रॉब्लम, लेकिन इतना भी 150 वहां पे पिंग चलता है, मीना सर्वर का 150 पिंग यहाँ पे चलता है इंडियन सर्वर में, बट फिर भी ट्राई गई सेकंड हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मीना सर्वर में हम लोग होस्ट कराएं क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट। ठीक है क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट यहाँ पे मीना सर्वर में होस्ट कराएं और स्मूथ यहाँ पे आ चुके हैं जी, बीएनएल को यहाँ पे दिया, लेकिन क्या यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक किया है लेकिन रिवाइव उनको मिल गया जी, रिवाइव यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे देखते देखते बीएनएल को नॉक कर दिया स्मूथ ने जी, विलन ने यहाँ पे फिनिश कर दिया बीएनएल को और विंसेंट जो भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, आकाशी मोरो बचे गए यहाँ पे 3-0 से अलग ही लेवल एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे मोरो डाउन हो गए, आकाश यहाँ पे खेले बच्चे ठीक है और यहाँ पे 7-3 से अपने नाम कर लिया विलन गेमिंग की स्क्वाड ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, यहाँ पे बड़ी बड़ी टीमों को यहाँ पे शिकस्त दे दिया गाइस 3-0 से जी गाइस 3-0 से अपने नाम कर लिया है। और इस गेम के MVP रहे गाइस स्मूथ 444 जी गाइस स्मूथ 444 और आप लोगों को उनकी वीडियोस बहुत सारी चैनल पे देखने के लिए मिल गई होगी और गाइस यहाँ पे 13 किल्स किए 8000 डैमेज के साथ में जी गाइस 8000 डैमेज के साथ में 13 किल्स किए हैं। ओवर पावर से बात की जाए तो विंसन जो के 3 किल है, बीएनएल के 4 किल है, आकाशी के यहाँ पे 6 किल्स है और मोरो के यहाँ पे 4 किल्स है, तो गाइस अलग ही लेवल है। हैशटैग लगा दो गाइस सारे बंदे हैशटैग लगा दो और यहाँ पे मैच फिनिश हो गए गाइस। आप लोगों को बता दूं यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस यहाँ पे वी विल ट्राई हम लोग कर सकते हैं जी गाइस, प्रैक्टिस मैचेस यहाँ पे हो गए, एक बार यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी गाइस, प्रैक्टिस मैचेस यहाँ पे होने